हेलो एवरीवन वेलकम टू मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो गाइस इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं तो यार ये वीडियो कंटिन्यूड वीडियो है आपके प्रीवियस पार्ट का विच इज एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस बट दिस इज व्हाट दिस इज पार्ट टू तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डेटा साइंस के कुछ फील्ड्स जो है मतलब सॉरी डेटा साइंस के फील्ड्स नहीं है कुछ फील्ड्स है जिसमें डेटा साइंस का एप्लीकेशन है वो डिस्कस कर लिया था ठीक है कुछ फील्ड अभी भी बची हुई है तो वो फील्ड हम अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास टेंथ का फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा साइंस यूनिट चल रहा है जिसमें हम एप्लीकेशन वाले पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा साइंस के एक वीडियो दे दी है मैंने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आइए उससे आपको कुछ पहले के टॉपिक्स पता चलेंगे जिसका एप्लीकेशन मतलब जिन फील्ड्स में डेटा साइंस का एप्लीकेशन है बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो यहां देखते हैं ठीक है तो हमने प्रीवियस वीडियो में इनमें से फर्स्ट फोर कवर कर लिए थे दीज वर द फर्स्ट फोर व्हिच इज बैंकिंग फाइनेंस ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ केयर इन फील्ड्स में हमने इसके एप्लीकेशन कवर कर लिए थे अभी हमारे चार फील्ड्स और बचे हुए विच इज ई कॉमर्स इंटरनेट सर्च गेमिंग वर्ल्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग दीज आर द फोर पार्ट्स फोर फील्ड विच आर लेफ्ट इसमें हम देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन है डेटा साइंस का तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं देखते हैं यार एक एक करके एक एक फील्ड उठाते हैं और देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन है यार ठीक है चलिए तो सबसे पहले आ जाता है भाई ई कॉमर्स अभी ई कॉमर्स में भी काफी सारे वेराइटीज है तो वो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं तो सबसे पहले कस्टमर आइडेंटिफिकेशन ठीक है अब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में भी हम बात कर रहे हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग की ठीक है अब कस्टमर कस्टमर आप ये, जो आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई है है वो काफी तरीके से कर सकते हो, e में ही, को काफी तरीके तरीके से से कर कर सकते सकते हो हो ठीक ई कॉमर्स में ही को उसमें हम बात कर रहे हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग की कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की मदद मतलब से कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ठीक है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग यार एडवर्टाइजिंग अब पूरा रूल कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवर्टाइजिंग फील्ड अब सेपरेट नहीं है वो एक ही माने जाते हैं दैट यूज ए आई टू क्रिएट एड्स विदाउट ह्यूमन इंटरैक्शन ठीक है या इन्वॉल्वमेंट्स ठीक है तो अवेलेबल प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं कमर्शियल है ठीक है सर्विस नीड टू पे समथिंग राइट सो ऐसे कमर्शियली अवेलेबल प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं जो ए का यूज करते हैं टू क्रिएट आर्ट्स आर्ट्स क्रिएट करने के लिए और उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है ठीक है ह्यूमंस की वहां पे जरूरत नहीं है वो खुद खुद आपको आर्ट क्रिएट करके दे देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्प्ले बैनर्स ऑन वेरियस वेबसाइट्स टू द डिजिटल बिलबोर्ड्स एयरपोर्ट तो आप भले ही बैनर से उठा लो तो जो डिस्प्ले बैनर्स होती हैं अलग अलग वेबसाइट पे ठीक है आप वो उठा लो या फिर आप बड़े बड़े बिल बोर्ड उठा लो जो आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर डिसाइडेड बाई यूजिंग डेटा ठीक है चलो ये तो सही है कि ऐसे कमर्शियली प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जो एड क्रिएट कर देते हैं चलो इनको अगर आप छोड़ भी दो अगर ह्यूमन बींग्स बना भी रहे हैं ना आर्ट्स को तो कहां पे कौन सा एड लगेगा या फिर कहाँ पे किस टाइप का एड बनना चाहिए उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए ये सब भी डेटा साइंस डिसाइड करता है और आप एक बैनर से लेके आप एयरपोर्ट के बिल तक पहुंच जाओ आपको डेटा साइंस देखने को मिलेगा ठीक है तो छोटे से लेकर बड़े तक हर जगह डेटा साइंस घुस गया ठीक है तो डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग का वर्ड तो डेटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूल कर रहा है नाउ एआई इज इज ट्रांसफॉर्मिंग व्हाट पॉसिबल इन द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग एट एवरी लेवल फ्रॉम एड क्रिएशन टू ऑडियंस टारगेटिंग टू एड बाइंग ठीक है आप कोई भी कैटेगरी उठा लो भले एड को क्रिएट करने की उठा लो ठीक है ऑडियंस टारगेट करने की उठा लो या एड को खरीदने की उठा लो हर जगह एआई रूल कर रहा है एडवर्टाइजमेंट को So, जकल जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वो भी कमर्शियली अवेलेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ ऑडियंसिस ठीक है बिल्ड क्रिएटिव आर्ट्स क्रिएटिव आर्ट्स बनाने के लिए टेस्ट वेरिएशन इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज स्पेंड ऑटोमेटिकली इन रियल टाइम आर्थ स्केल, ठीक है मतलब किस किस के लिए यूज कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडियंस सेगमेंट को क्रिएटिव आर्ट्स को बिल्ड करने के लिए टेस्ट करने के लिए वेरिएशन जो भी वेरिएशन वो ला रहे हैं पॉसिबिलिटीज ला रहे हैं जो भी स्कीम्स ला रहे हैं वो टेस्ट करने के लिए है ना इंप्रूव परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशन जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करने के लिए एंड ऑप्टिमाइज स्पेंड ऑटोमेटिकली ठीक है तो जो स्पेंड है उसको ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज uh, करने के लिए भी हम यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का इन रियल टाइम रियल टाइम में मतलब जो फिलहाल सिनारियों चल रहा है उसमें प्रीवियस डेटा में नहीं रियल टाइम में जो भी चल रहा है उस समय ठीक है और ये भी आर्ट स्केल हो रहा है मतलब बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है छोटे लेवल पे नहीं हो रहा बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है ठीक है तो ये सब काम हम कर रहे हैं भाई डेटा साइंस की मदद से तो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड को तो रूल कर रहा है कौन आपका डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो ठीक है एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स गिव अस टर्मस ऑफ डेटा टू वर्क विद तो एक्चुअली अगर मैं कहूं कि क्यों कर रहा है रूल तो उसका आंसर देखते हैं अगर हम तो उसको देखें तो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म हमें बहुत सारा डेटा देती है ऑफ डेटा टू वर्क विद आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो मेजरेबल इंप्रेशन ठीक है मेजरेबल इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट्स डेमोग्राफिक्स कहां पे हो रहा है कौन क्लिक कर रहा है ठीक है ये सब आप ये सब डेटा जनरेट करता है कौन रेगुलरली डेटा जनरेट हो रहा है जो डेटा साइंस को फीड किया जा सकता है ठीक तो है तो ह्यूमन डेटा जनरेट कर रहे हैं ठीक है ह्यूमन सर्टेनली हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड डेफिनेटली अगर हम ह्यूमन बींगस की बात करें तो ह्यूमन बींगस के पास डेफिनेटली सर्टेनली ये कैपेसिटी है कि वो अच्छे एडवर्टाइजमेंट बिल्ड कर सकते हैं मेजर दैट एडवर्टाइज मेजर भी कर सकते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा कहां चलेगा ठीक है एंड इम्प्रूव आर्ट्स बेस्ड ऑन वॉट तो जो भी उन्होंने सीखा उसके बेस पर वो आर्ट्स को इंप्रूव भी कर सकते हैं बट बट डिजिटल एडवरटाइजिंग अक्रॉस सर्च कंटेंट एंड सोशल मीडिया चैनल गिवस एन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एबिलिटी टू जनरेट डेटा एंड वॉट वर्स एंड वॉट डज तो यस देखो हर ह्यूमन बींग की बट कैपेबिलिटी है कैपेसिटी है ठीक है कैपेबिलिटी तो है ही कैपेसिटी भी है कैपेबिलिटी की ठीक है एक पर्टिकुलर लेवल तक एनालाइज कर सकता है ये data, आप उसको बहुत सारा डेटा जनरेट नहीं होता बट अगर मैं डिजिटल की बात करूं तो डिजिटल में अनलिमिटेड एबिलिटी है भाई अनलिमिटेड डेटा जनरेट हो रहा है अनलिमिटेड डेटा जनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली अब इनको पता है कि क्या काम करेगा या क्या काम नहीं करेगा सिंपल सी बात कोई आइडिया इनोवेटिव तो ठीक है इनोवेटिव है बहुत अच्छा आइडिया है वेल एंड गुड पर वो मार्केट में काम करेगा या नहीं करेगा अगर आपको ये नहीं पता तो डेफिनेटली आप अपने आइडिया पे तो ट्रस्ट कर सकते हो पर वो काम करेगा नहीं करेगा इस पर नहीं कर सकते बट ये आपको ये ट्रस्ट दिला रहे हैं रिलाई करवा रहे हैं कि आप जो भी आइडिया लेके आ रहे हो आप आइडिया लेके आओ उसको हम बताएंगे कि यह चलेगा नहीं चलेगा ठीक तो है तो डेफिनेटली डेटा साइंस पर लोग जाएंगे ना कि अगर आपको पता है कि हाँ ये आगे चलने वाले तो वही ऑप्ट करा जाएगा तो बस यही सीन है राइट दैट्स व्हाट मेक्स एआई अ नेचुरल फिट फॉर एडवर्टाइजिंग तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग के लिए वो नेचुरल फिट है इसीलिए रूल कर रहा है डेटा साइंस आर्टिफिशियल सॉरी एडवर्टाइजिंग फील्ड को इंटेलिजेंट टूल्स लाइक वर्ड आर्टिकोलो एंड क्विल आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय द एसोसिएटेड प्रेस एंड फॉर्ब्स टू क्रिएट न्यूज व्हिच लीड्स टू क्लिक सॉरी व्हिच लीड्स टू क्लिक्स ऑन देयर वेबसाइट अब ऑलरेडी ये टूल्स का यूज कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एसोसिएटेड प्रेस ये सब अभी भी मतलब मतलब अभी बलाग ये यूज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म्स को इन प्लेटफॉर्म्स को ठीक है टू क्रिएट एड्स अब इसकी वजह से क्या होता है इसकी वजह से जो इनकी वेबसाइट पे क्लिक रेट्स है मतलब वेबसाइट पे आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं ठीक है तो डेफिनेटली उस पर क्लिक करके लोग आएंगे उस वेबसाइट पे तो दे आर ऑलरेडी यूजिंग इट Now, अगर इसको समराइज करूं मैं ए आई वाली फील्ड को सो ए आई फॉर एडवर्टाइजिंग इन एन आर्ट इंक्रीज रेवेन्यू बाई एनालाइजिंग एंड एक्टिंग ऑन डेटा आर्ट स्केल तो एक बड़े लेवल पे डेटा पे एनालाइज करके या एक्ट करके बहुत हाई रेवेन्यू अन करवा रहा है रिड्यूस कॉस्ट बाय एक्टिंग ऑन दैट डेटा फास्टर एंड ऑटोमेटिकली ठीक है तो कॉस्ट को रिड्यूस कर दे रहा है बिकॉज आप क्या कर रहे हो डेटा पे बहुत जल्दी और ऑटोमेटिकली एक्ट कर रहे हो ठीक है बिल्ड अ मैसिव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज विद बोथ सुपीरियर इन्साइट एंड सॉरी सुपीरियर स्पीड तो एक तो बहुत जल्दी उसको जनरेट करना साथ में यह पता करना कि पर्टिकुलर एड को फ्यूचर देख देख देखना कि यार ये चलेगा नहीं चल रहा मतलब इनसाइट सुपीरियर इन साइट दे रहा ठीक है एक पर्टिकुलर एड आगे चलेगा नहीं चलेगा ये भी एनालाइज कर देना तो ये भी आप कर सकते हो डेटा साइंस की मदद से So, ये कुछ आपके नट शेल में पॉइंट है जो आपका डिजिटल एडवर्टाइजिंग में डेटा साइंस या ए कर रहा है राइट right? तो अगर आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए डिजिटल एडवर्टाइजमेंट को तो डेफिनेटली यार आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे ठीक है पूरे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं डिटेल में बता दिए हैं राइट right? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में ऑडियंस टारगेटिंग ठीक है अब जो एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं वो तो जनरल होता है अब पर्टिकुलर एक ऑडियंस को टारगेट करना देन वॉट ए आई सिस्टम लुक्स फॉर पास्ट ऑडियंसेज एंड एड परफॉर्मेंस तो ए क्या करता है ए सिस्टम

है ना दो मेरे पास एड्स आए अब मैंने इस वाले एड पे क्लिक किया तो इससे मुझे दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन पता चली कस्टमर की भी नीड पता चली कि, कि कस्टमर को क्या चाहिए और मुझे एडवर्टाइजिंग के लिए भी पता चला कि एडवरटाइज क्या करना चाहिए क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए वही तो एडवरटाइज करेंगे अपन तो दोनों काम हो रहा है यहां पे ठीक है सो वेज दिस पास और एड चीजें देखी जाती है ऑडियंस है, है या पहले की जो एड परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया जाता है अभी के उसे, कि अभी क्या चल रहा है अभी जो एड पब्लिश हो रहे हैं क्या उसके बेसिस पे हमें परफॉर्मेंस या फिर हमें आउटपुट देखने को मिलेगा तो ये चीज देख ली जाती है ठीक है विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस देन आइडेंटिफाइज न्यू ऑडियंस लाइकली टू बाय अब इसकी मदद से ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कौन सी नई है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं पास्ट ऑडियंस हमारे पास है का परफॉर्मेंस हमारे पास है कि पहले क्या हुआ था। अब उसके बेसिस पे हम आज का सिनेरियो देखते हैं कि आज का सिनेरियो क्या है उसके बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि हाँ यार हमें यहां काम करना चाहिए यहां काम करना चाहिए और कौन कौन से नए ऑडियंसिस जिनको हमें टारगेट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वर्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट ठीक है ना ब्रांड्स आर यूजिंग द पावर ऑफ ए आई टू पर्सनलाइज ई मेल मार्केटिंग तो यूजर का जो जो भी भी प्रेफरेंस है चीज वो चाहते हैं जो भी उनका लाइकिंग्स है या यूजर का जो भी बिहेवियर है अब उसकी उसके ऊपर एक्चुअली इस ये क्या है ये डिसाइजिव थिंग है कि इस पर बेस्ड डिसीजन लिया जाएगा ठीक है तो इस इसपे बेस्ड डिसीजन लिया जाता है कि पर्सनलाइज ईमेल मार्केटिंग करी जाती है मतलब कैंपेस निकाले गए हैं कि पर्सनल पर्टिकुलर किसी भी इंसान को पर्सनल करी जाएंगी एक पर्टिकुलर आइटम खरीदने के लिए जो जिसमें वो वो बंदा इंटरेस्टेड है तो आपने भी कई बार ये चीज देखी होगी कि आपको पर्टिकुलर कोई भी चीज जो आप बहुत समय से सर्व कर रहे हो बट आप परचेज नहीं कर पा रहे हो कर नहीं रहे हो उसको उसके आपको ईमेल्स आ रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आपको ईमेल आ रही है कि ये परचेज कर लीजिए वो परचेज कर लीजिए सेम चीज जो आप इतने सालों से देख रहे हो अब उनको कैसे पता है कि यार आपको यही चाहिए दिस इज दिंग यहां पर डेटा पड़ा हुआ है भाई यही चीज वो कर रहे हैं दिस मेक्स इट पॉसिबल टू बेटर कनेक्ट विद एंड विदिट ऑफ लक टर्न दिन टू क्लाइंट अब यही अब सपोज सपोज बाई चांस आप एक पर्टिकुलर सपोज फोन या मोबाइल फोन या फिर आप कहो लैपटॉप कुछ भी परचेज करना चाह रहे हो सपोज ठीक है अब आप बहुत महीनों से इस चीज को देख रहे हो कि आप कोई परचेज कर रहे हैं तो आप स्पेक्स वगैरह देख रहे हो है ना प्राइस कंपेयर कर रहे हो बट आप परचेज नहीं कर रहे हो किसी रीजन की वजह से ठीक है अब कुछ महीने बाद आप देखोगे या कुछ हफ्तों बाद ही एक्चुअली आप देखोगे कि आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ई आने लगेगी कि लैपटॉप्स परचेस कर लीजिए मोबाइल फोन परचेस कर लीजिए जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक सपोज परचेज करना चाहते हो या कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो वो आपको एड्स देने लगेंगे अब ये एक मीडियम हो गया कि आप किस तरीके से उनसे कनेक्ट कर सकते हो या वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं तो वो कस्टमर से मतलब जो आप एक क्लाइंट हो उनके लिए कस्टमर हो उनको एक्चुअली क्लाइंट नहीं अभी आप कस्टमर हो तो कस्टमर आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप इनसे और अगर आपको उनका प्राइस उनका स्पेसिफिकेशन से जो भी प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे हैं वो पसंद आ गया जो सर्विस वो ऑफर कर रहे हैं अगर वो पसंद आ गया तो by a little bit of luck, आप भी भी हो जाओगे उनके client में और actually यहाँ पर अब थोड़ा सा कम ज़्यादा ज़्यादा कि वो आपको product offer ही वो 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 आपको आपको ही ही करेंगे करेंगे या जो आपके लिए सही है जो आप चूज करना चाहते हो जो आप चाहते हो जो आप सर्च कर रहे हो इतने दिनों से ठीक है मतलब जो चीज आप सर्च कर रहे हो वही चीज आपको प्रेजेंट कर देंगे जब आपको देखेगा तो डेफिनेटली आप परचेस कर लोगे तो ये पावर है भाई डेटा साइंस की तो जितनी जल्दी लोगों इसको के लिए, मतलब ने उसको जिस कंपनी ने जितना जल्दी इसको यूज करना शुरू कर दिया ठीक है कर कर लिया इसको कर लिया इसको यूज तो तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट में आएंगे आएंगे ही राइट चलो तो ये था भाई आपका कस्टमर और आइडेंटिफिकेशन का एक पार्ट ठीक है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में एक और आता है ऑडियंस टारगेटिंग के मतलब अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो ये तो हमने ऑडियंस टारगेटिंग का पॉइंट देख लिया कुछ एग्जाम्पल बताता हूं प्लेंटी ऑफ वेंडर्स ऑफर ए आई पावर सोल्यूशन इधर पार्शली और एक्सक्लूसिवली फोकसड ऑन एडवर्टाइजिंग ठीक है अब कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जो ए आई पावर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते मतलब देते हैं ठीक है इधर पार्शली जो आधा या फिर पूरे तरीके से एक्सक्लूसिवली एडवर्टीजिंग एडवर्टीजमेंट पे, पे बेस्ड होते हैं ठीक है क्या क्या है वो देखो

कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज वेबसाइट तो कंपनी की जो वेबसाइट है वो ये कहते हैं कि यार हमारा जो ए करता है ये डेटा लेता है कहां से एडवर्टाइजिंग डेटा जो है है ना तो डिजिटल एंड टीवी कैंपेन से जो भी इनको डेटा मिलता है इसको यूनिफाई करते हैं और इससे यह प्रिडिक्ट करते हैं कि किस तरीके से ये हाइएस्ट कन्वर्जन रेशियोज ला सकते हैं एट लोएस्ट कॉस्ट

एनालाइज करते हैं देन हेल्प्स यू प्लेस एड्स इन द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर कंज्यूमर्स कैन सी दम और आपको मदद करते हैं आपका एड मतलब सपोज आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो कोई कंपनी है आपकी ठीक है और आपको एडवर्टाइज करना उन्हें ठीक है तो गम गम आपको क्या करेगा पूरी वेब को छान के इमेजेस और वीडियोस को देख के एनालाइज करके बता देगा कि आपको कहां पर एड प्लेस करना चाहिए और कहां से आपको बेस्ट आउटपुट देखने को मिलेगा ठीक है तो वो चीज आपको कौन बताता है गम गम बताता है ठीक है वॉट या वेयर यू कैन फाइंड द बेस्ट कस्टमर्स विच कैन परचेज योर प्रोडक्ट्स तो वो चीज आपको बताता है गम गम ऐसे ही एक है पाथमेटिक्स सो पाथमेटिक्स यूजेज ए आई टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इनसाइट टू एडवर्टाइजिंग द टूल सॉरी द टूल शोज यू एग्जैक्टली हाउ योर एड्स परफॉर्म Across channels and give you competitive intelligence about how your competitors ad perform तो so, पाथमेटिक्स का ये क्लेम करना है कि वो क्या करता है वो insights प्रोवाइड करता है टू एडवर्टाइजिंग ठीक है ट्रांसपेरेंसी पूरी है मतलब ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपका एड परफॉर्म कर रहा है सपोज़ आपने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आपने कोई भी एड डाल रखा है अब वो एड कैसा परफॉर्म कर रहा है मतलब एड कैसा परफॉर्म कर रहा है मतलब कि क्लिक थ्रू रेट क्या है मतलब वो एड देख के कितने कस्टमर्स ने उस एड पर क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पर आए जो भी चीज आप सेल कर रहे हो वो परचेस करने आए तो किस तरीके से आपका एड परफॉर्म कर रहा है ना मतलब नॉट ओनली आपका बल्कि आपके कॉम्पिटिटर्स का भी कॉम्पिटिटर्स का भी एड किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो भी ये बताता है और अगेन अगर आपको पता है कि आपका कॉम्पिटिटर अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है तो यू you नो know कि आपको क्या कमी है मतलब आप कंपेयर कर सकते हो आप कंपेरिजन के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है या क्या नहीं करने की जरूरत है तो उस तरीके से आप उस पर एक्ट कर सकते हो ठीक है तो डेफिनेटली ये पाथमेटिक्स भी बड़े काम की चीज है अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो या ऑडियंस टारगेटिंग की बात करें तो ठीक है एक है फ्रेजी तो फ्रेजी टू टैकल एड क्रिएशन अब ये एड क्रिएशन का, का काम करता है वन ऑफ द टूल्स मेन कैपेबिलिटीज इज दैट इट ऑटोमेटिकली राइट ई मेल सब्जेक्ट लाइन बेटर देन ह्यूम ठीक है तो इसका एक स्पेशलिटी क्या है इसकी स्पेशलिटी है कि ये ऑटोमेटिकली खुद राइट कर देता है ईमेल्स को तो की ये राइट कर देता है तो बेटर हो उस में कुछ होने वाली है अब कोई भी जो भी कस्टमर है सपोज एक कंपनी एक कंपनी ने किसी कस्टमर को ईमेल भेजा कस्टमर सबसे पहले क्या देखेगा या ईमेल में सबसे पहले क्या दिखता है एक तो किसने भेजा और सब्जेक्ट क्या है अगर सब्जेक्ट अट्रैक्टिव है ठीक है तो डेफिनेटली वो मेल खुलेगी या कोई खोलेगा मेल खुलेगी तब तो आगे बात बढ़ेगी अगर सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं होगा कोई वो मेल ही नहीं खोलेगा तो आगे बात ही नहीं बढ़ेगी तो वो जो सब्जेक्ट डिसाइड करना है ना वो ह्यूमन बींग से अच्छा करने लग गया है कौन फ्रेज वो देख ठीक है बट दैट सेम ए पावर फंक्शनैलिटी हैज नाउ बीन अडोप्टेड या अडेप्टेड टू ऑटोमेटिकली राइट फेसबुक एड्स

टोन का है एक्सप्रेशन का जाता है सपोज मैं एज ए ह्यूमन बींग कोई चीज फील करता हूं तो वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं वो अलग है और कोई ए ही उस चीज को लिख रहा है अब वो तो फील नहीं कर पा रहा ठीक है तो वो उस चीज को उस एक्सप्रेस एक्सप्रेशन में नहीं लिख पा रहा बट ये इनकी स्पेशलिटी कह रहे हैं ठीक है सो so तो ये जो प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म्स ए आई इज पारेलर्ड टू योर ब्रांड्स मार्केटिंग लैंग्वेज एंड टोन तो आपके जो ब्रांड की मार्केटिंग लैंग्वेज या जो टोन है उससे इसने ट्यून कर रखा है इट साउंड एग्जैक्टली लाइक वॉट योर ह्यूमन कॉपी राइटर्स वुड राइट तो जो भी आपके ह्यूमन बींग्स राइट करेंगे जो भी कंटेंट लिखेंगे बिल्कुल वैसे चीजें लिख सकता है ठीक है देन इट प्रोड्यूसेज अज नंबर ऑफ एड कॉपी वेरिएशंस एट स्केल और बहुत सारी कॉपी मतलब बहुत से वेरिएशंस ये स्केल लेवल पे मतलब बहुत सारे लेवल पे आपको प्रोड्यूस करके देगा ठीक है ये सब कैसे कर पाएगा ठीक है जो डेटा साइंस एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं जो आपका क्लिक रेट बढ़ा देंगे एंगेजमेंट बढ़ा देंगे कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ा देंगे ठीक है नौ एक और आपके पास प्लेटफॉर्म इज वर्ड स्ट्रीम

अब आपका जाता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन सिस्टम कई बार आपने देखा होगा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे सपोज आप नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो है ना या अमेजोन सर्च कर रहे हो अमेजोन देख रहे हो तो आपको जो है कुछ आइटम्स रिकमेंड किए जाते हैं ठीक है तो अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस सर्च हिस्ट्री या प्रीवियस जो भी आपने आ, अगर कोई मूवीज वगैरह नेटफ्लिक्स पे तो कोई मूवी सीरीज वगैरह जो देख रखी है तो अकॉर्डिंग टू जॉनर जो आप देखते हो उसके हिसाब से आपको सजेशन किए जाते हैं ठीक है तो ये सब चीजें सजेशन मतलब रिकमेंडेशन आपको दिए जाते हैं तो दैट इज रिकमेंडेशन सिस्टम नो वॉट इज रिकमेंडेशन सिस्टम सो इंटरनेट जाइंट लाइक एमेजन ट्विटर गूगल प्ले नेटफ्लिक्स लिंक एंड मेनी मोर यूज दिस सिस्टम टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस है क्या बेसिकली रिकमेंड करना तो so यार ये यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन सिस्टम का यूज करते हैं। बिकॉज जस्ट इमेजिन कि आपको जो चाहिए वो सामने वाले को पहले ही से पता है तो इससे अच्छी बात क्या है तो जो आप मांगने वाले हो आपके मांगने से पहले अगर आपने सामने वाले ने आपको वो चीज प्रोवाइड कर दी तो डेफिनेटली यू वुड बी इंप्रेस विद दैट तो बस वही चीज है कि कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन सिस्टम्स का यूज करते हैं इंटरनेट नाउ द द आर मेड बेस्ड ऑन प्रीवियस फॉर अ यूजर दिस इज रीजन वाई डिजिटल एड्स हैव बीन एबल टू गेट अ लॉट हायर क्लिक थ्रू रेट ठीक है Now, क्यों क्लिक थ्रू रेट जो सी टी आर है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज रिकमेंडेशन सिस्टम रिकमेंडेशन सिस्टम की वजह से बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस हिस्ट्री सामने वाले को पता है कि आपको क्या पसंद आएगा जब आपको जब उनको पता है कि आपको पसंद क्या आएगा वो वही दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा मतलब उस पर क्लिक्स होंगे ही होंगे हार्ट पे राइट या फिर जो भी वो सजेशन दे रहे हैं आप उसको यूज करोगे ही करोगे

फाइल्सूड हिस्टोरिकल डेटा दैट है कस्टमर टू स्पेंड मनी दिस ऑल्सो इंक्लूड डिजिटल शॉपिंग कार्ड डेटाज लिस्ट ऑफ आइटम्स चेक आउट टूगेदर एंड एनी आइटम लेफ्ट इन द कार्ड अनपेड फॉर ठीक है मतलब पूरा ट्रांजेक्शनल इंफॉर्मेशन आ गया कि क्या चीज पसंद आती है क्या चीज पसंद है? नहीं आती स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है ठीक है या फिर कार्ट में क्या चीज रखी हुई थी क्या हटा दी गई थी है ना एकदम से हटा दी गई थी क्या चीज तो वो सब चीजें ठीक है कस्टमर प्रोफाइल जैसे कि डेमोग्राफिक डेटा वगैरह की कहां पे है लोकेशन वगैरह क्या है ठीक है उनकी डिटेल एड्रेस वगैरह सब कुछ चीजें फिर साइट ट्रैफिक डेटा तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर जनरेट थ्रू द ई कॉमर्स वेबसाइट एंड वेन आइटम्स दे ओवर बिफोर चेकिंग आउट तो साइट ट्राफिक पूरा आ गया कि यार क्या क्या कहा, कहा कब कब एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे उन्होंने विजिट किया क्या क्या आइटम्स को सर्च किया ठीक है फिर छोड़ते समय क्या आइटम उन्होंने सर्च किया तो इस हिसाब से अब यही सब देखो आपने बहुत बार रियलाइज किया होगा आप एमेजोन पे कोई

द रिटेलर्स डेटा साइंस टीम अब जब हो डेटा तो आ गया ठीक है ये डेटा आपने दे दिया द डेटा डेटा साइंस टीम वुड नीड टू रन ऑल ऑफ दिस थ्रू अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू ट्रेन इट टू रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन विद इन इट एंड मेक एक्यूरेट कोरिलेशंस तो डेटा साइंस क्या डेटा so, साइंस की टीम क्या करेगी रिटेलर का इस सब डेटा को प्रोसेस करेगी ताकि वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके एक्यूरेट कोरिलेशंस जनरेट कर सके इन मेनी केसेस द एल्गोरिथम्स वुड आल्सो नीड टू रन इन द बैकग्राउंड ऑफ द एंटरप्राइज फॉर सम टाइम टू एनालाइज कस्टमर्स बिहेवियर इन रियल टाइम ठीक है अब बहुत बार क्या होगा इसको मार्केट में निकालने के पहले चीज टेस्ट भी करी जाएगी ठीक है कि क्या बिहेव कर रहा है मतलब कस्टमर्स के बिहेवियर कैसा है उसके चारों तरफ दिस द एल्गोरिथम अक्लिमिटाइज टू द न्यूएस्ट कस्टमर डेटा बिफोर मेकिंग प्रिडिक्शंस

इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई प्राइस कंपेरिजन सॉफ्टवेयर या वेबसाइट ठीक है अब प्राइस कंपेरिजन सॉफ्टवेयर या वेबसाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है तो काफी सारी ऐसी वेबसाइट एक्जिस्ट करते हैं जिस पर प्राइस कर सकते हो ठीक है ऑल दो ये प्राइस कंपेरिजन वेबसाइट की जरूरत क्यों पड़ी भाई

अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर मतलब कंपनीज अब आपके बिहेवियर को देख रही हैं और उसके हिसाब से प्राइस बताती हैं। जैसे सपोज अगर उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते आपको जो भी चीज़ चाहिए आपने रिसर्च किया और आपने ऑर्डर कर दिया वो रिसर्च नहीं आप रिसर्च नहीं करते कि वो प्राइस मार्केट में उसका क्या चल रहा है तो वो क्या करेंगे वो हाई प्राइस रखेंगे कि आप उसे परचेज कर लो राइट आप उसको कंपेयर करते ही नहीं हो तो वो डायरेक्टली दे देंगे तो यहां परिजन वेबसाइट्स की जरूरत पड़ती है एक्चुअली उसमें भी वो चीज एनालाइज करने में डेटा साइंस यूज होती है और प्राइस कंपेरिजन के लिए इसलिए यूज आ गया यहां पे ठीक है सो इन रिसेंट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट प्राइस ऑफर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोल कर रहा है हैं पे डायनेमिक प्राइसिंग एडजस्ट प्राइसेस टू ऑफर कस्टमर्स डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड दर इंडिविजुअल बाइंग हैबिट्स सो डायनेमिक प्राइसिंग की बात हो रही है यहां डायनेमिक प्राइसिंग क्या डायनेमिक प्राइसिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि पर्टिकुलर किसी भी चीज का प्राइस एडजस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उनका इंडिविजुअल बाइंग हैबिट्स वगैरह तो उसके बेसिस पे प्राइस एडजस्ट किया जाता है किसी भी आइटम का डायनेमिक प्राइसिंग सोल्यूशन यूज मशीन लर्निंग एंड द कलेक्टेड डेटा टू फाइंड द कस्टमर्स डेटा पैटर्न डायनेमिक प्राइसिंग फैक्टर्स सच प्राइसिंग कस्टमर बिहेवियर लोकेशन टाइम ऑफ डे एंड सीजनलिटी टू डिटरमाइन हाउ मच शॉपर्स आर विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस तो इन सब चीजों का यूज क्या रहता है टर्स की प्राइसिंग मतलब जो भी उनकी कॉम्पिटिटर्स उनकी प्राइस क्या है कस्टमर का बिहेवियर कैसा है लोकेशन क्या है टाइम क्या है उसका ठीक है सीजन कैसा चल रहा है तो वो सब चीज पे बेच डिटरमाइन किया जाता है कि पर्टिकुलर शॉप पर जो भी चीज खरीद रहा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा मशीन लर्निंग एलगम्सो रिवील प्राइसिंग गैप्स कैन टेक एडवांटेज तो प्राइसिंग बता सकते मतलब मार्जिन बता सकते कि, हाँ यहाँ पे इसमें बहुत मार्जिन है आप डेफिनेटली वहां सकते हो और वहां पर बिजनेस को मिलता है वज द पैटनर रिवील मशीन लर्निंग सिस्टम कूड एडजस्ट एंड डिटरमाइन प्रोडक्ट प्राइसिसबिट जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ एक ठीक है फॉर इंस्टेंस इफ एन ऑनलाइन शॉपर बिहेवियर शोज दैट ही डज नॉट स्पेंड टाइम कंपेयरिंग प्राइसेस विद इन अर्टिन प्राइस रेंज पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्राइस रेंज है सपोज सपोज अगर वन थाउजेंड की मैं कहूँ वन थाउजेंड से अंडर कोई भी चीज है तो एक इंसान कभी भी प्राइस कंपेयर नहीं करता सीधे परचेज कर लेता है ठीक है सो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टेक नोट ऑफ दिस पैटर्न एंड टेक दिस इंटू अकाउंट फॉर नेक्स्ट टाइम

ठीक है अब ऐसे क्या क्या है कौन कौन है ठीक है प्राइस कंपेरिजन द कन्वीनियंस ऑफ कंपेरिंग जंगली जिला एंड डील टाइम आर सम्पल्स ऑफ प्राइसिजन वेबसाइट तो इनके नाम ध्यान रखो भाई अगली बार कुछ भी खरीद रहे हो तो इनपे जरूर प्राइस कंपेयर कर लीजिएगा अलग अलग वेंडर से ठीक है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाए तो थिंग इज कि डेफिनेटली यार ये चीज करी जाती है कि अगर आप ऐसे हो कि आप बारगेन नहीं करते या रिसर्च नहीं करते तो डेफिनेटली किसी भी प्राइस में सिंपल देता तो का अगर आप कोई भी चीज परचेस करने गए है ना शॉपकीपर ने आपको जो प्राइस बताया अगर आप उस प्राइस में उस चीज को परचेस करके आगे खरीद के आ गए तो शॉपकीपर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा आपको देखते ही ज्यादा प्राइस बोलेगा वो कहेगा कि ये तो बार्गेन करते नहीं मैं इनको किसी भी प्राइस में बेच सकता हूं कोई भी चीज राइट बस वही कुछ यहां पर भी है कि अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे उसको ऑर्जनल प्राइस जानने की कोशिश नहीं करोगे या उसको कॉम्पिटिटिव के प्राइस जानने की कोशिश नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो आपको अलग मतलब गंदे गंदे दामों में बेचेगा मतलब आपके लिए तो गंदा ही होगा ना ठीक है हाई प्राइसेज में आपको सेल करेंगे चीजों को तो उससे बचने के लिए या तो आप अपना टाइम स्पेंड करो कंपेयर करने का नहीं तो इन प्राइस कंपेरिजन वेबसाइट पर चले जाओ राइट जो डेटा साइंस का यूज करते हैं राइट चलो तो ये हो गया एक और एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई इंटरनेट सर्च अब इंटरनेट सर्च तो भाई डेटा साइंस का ही गेम ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही डेटा साइंस का गेम है बिकॉज उससे पहले तो चीजें फेल हो रही थी ठीक है सो एट द बिगनिंग ऑफ द इंटरनेट एरा जब शुरुआत ही हुई थी इंटरनेट एरा की सर्च रिजल्ट वर एराटिक ठीक है मतलब इतने एरर्स होते थे उसमें इतनी चीजें गलत आती थी, थी कि बस पूछो मत कंपनीज लाइक एओ एल एंड याहू डिड देयर बेस्ट टू इंटरप्रेट वट दे बिलीव्ड यूजर्स वॉन्टेड मतलब वो बहुत कोशिश करते रह गए कि हम वो चीज प्रोवाइड कर सके जो यूजर मांग रहे हैं जो लोग मांग रहे हैं वो चीज हम उनको प्रोवाइड कर सके बट येट इट वॉज सॉरी येट इट वॉज कॉमन टू गेट

क्या होता था कि जो चीज चाहिए कस्टमर को वो आती ही नहीं थी वो सर्च होकर आती नहीं थी ठीक है तो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे तो तब जब आपकी जो नई कंपनीज है जैसे कि गूगल या बिंग ये क्यों इतना सक्सेसफुल हो गई बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते थे सर्चिंग एल्गोरिथम्स का ऐसा यूज करते थे जिससे कि जो चीज कस्टमर को चाहिए वही वो लाके दे सके ठीक है इवन आज की दुनिया में अभी फिलहाल भी जो कंपनी सक्सेसफुल है वो क्यों सक्सेसफुल है बिकॉज़ देर यूजिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब अगर नेट की बात है तो इंटरनेट पर अगर कोई भी चीज सक्सेसफुल है तो कब है वो जब यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेवकूफ बनाना और अपनी चीज टॉप पे लाना ठीक है मतलब अगर सपोज किसी तरीके से मैं ऐसा कह, कह सकूं जैसे कि सपोज आपको पता होगा कि आपके सिटी में टॉप फाइव होटल्स क्या है रेस्टोरेंट्स क्या है ठीक है ये चीज आपको पता होगी पर जब आप गूगल पर सर्च करोगे टॉप टेन या टॉप फाइव रेस्टोरेंट्स या टॉप फाइव होटल्स तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे डेफिनेटली आपको वो नहीं मिलेगा एक बार करके देखिएगा ठीक है तो अब ये चीज अगर कोई एक ना जान वाला मतलब जिसको जानकारी नहीं है आपके शहर की वो आता है वहां पे और वो ऐसे गूगल पे सर्च करता है कि टॉप फाइव बता दीजिए कौन से रेस्टोरेंट्स है या होटल्स हैं तो जो आएगा उस पर चला जाएगा तो वो जो टॉप पे लाने वाली बात है ना वही यूज कर रहे हैं भाई वही है सर्च इंजिन कि किस तरीके से आप अपने सर्च को टॉप पे ला सको मतलब अपनी चीज को रिजल्ट को मतलब अपने प्रोडक्ट को टॉप पे ला सको रिजल्ट में दैट इज द केस दैट इज द गेम ऑल अबाउट सो इन टूडेज

राइट न फैक्टर्स लाइक लोकेशन डेट टाइम एंड डिवाइस मेक द इंटेंट ऑफ अ सर्च डिफरेंट फॉर इच तो यहां पर भी एक्चुअली में सर्च इंजन का यूज आता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम अकॉर्डिंग टू द डेट अकॉर्डिंग टू द डिवाइस सर्च बदल जाती है कैसे जैसे एग्जांपल देता हूं इफ यू सर्च द न्यू एमसीयू मूवी तो सपोज मार्वल सिनामाटिक यूनिवर्स में कोई मूवी आई है आपको एक नई मूवी सर्च कर रहे हो फ्रॉम योर डेस्कटॉप

ज एट द टाइम्स फॉर द मूवीज तो सबसे आसपास आपका मूवी थिएटर क्या है और उसमें टाइम्स अवेलेबल क्या मोस्ट प्रॉब्लम यह सर्च करना चाहता हूं तब देखना किसी भी पर्टिकुलर चीज का जो मोबाइल uh, पे रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा और जो डेस्कटॉप पर आपका रिजल्ट आ रहा होगा या लैपटॉप पर जो रिजल्ट आ रहा होगा वो चेंज होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिवाइस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन अकॉर्डिंग टू द डेट एंड टाइम चीज़ें चेंज हो जाती है रिजल्ट चेंज हो जाते हैं तो इसी चीज़ पर वह सर्च इंजन काम करता है कि आपकी हैबिट्स को आपकी चीज़ों को जान सके और आपके हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सके ऐसा भी हो सकता है बहुत बहुत पर्सनलाइज भी चीज़ें होती हैं कि हो सकता है आपके डेस्कटॉप सर्च और मोबाइल सर्च में कोई ज़्यादा डिफरेंस ही ना हो तो आपको वो सेम रिजल्ट देता हो बट किसी के में हो तो वो उसको सेपरेट रिजल्ट देता है डेफिनेटली देता है जैसा यहाँ एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया

ठीक है मशीन्स आर थॉट टू क्रिएट एन ऑप्टिमल लिस्ट फ्रॉम अ हायर क्लिक थ्रू रेट दिन द ऑप्शन अब द क्लिक इंजिन वुड लर्न फ्रॉम दिसमली एंड बंप दिजल्ट टू द टॉप मतलब जैसे सपोज एक है रिजल्ट बना हुआ रैंकिंग बनी हुई है एक वेबसाइट थर्ड नंबर पे आ रही है पर यह देखा जा रहा है या फिर उसका जो एआई है सर्च इंजन का वो देख रहा है कि इसके क्लिक रेट ज्यादा है तो वो उसको उठा के ऊपर पटक देगी फर्स्ट पे ले आएगी कई कंपनी इसका यूज करती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया मतलब वो अननेसेसरी किसी ना किसी तरीके से इसके क्लिक रेट बढ़वाती ताकि ऊपर आ जाए मतलब अपनी वेबसाइट को वो ऊपर लाने के लिए ऐसा काम करते हैं और इवन कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अलग अलग कंपनी से पैसे लेके उनकी उनकी वेबसाइट के साथ ये करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही चीज है भाई ठीक है कभी इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा आपको

क्लिक रेट ज्यादा है क्या चीज ट्रेंडिंग है क्या टॉप पे लानी चाहिए तो वो सब भी करा जा रहा है तो वो सब भी काम कर रहा है आपका ए तो इतना बड़ा रोल प्ले करता है ए राइट चलो नेक्स्ट इज गेमिंग गेम गेमिंग वर्ल्ड में तो इंटरेस्ट आ गया ना सबको मजा आ गया होगा गेमिंग वर्ल्ड यस गेमिंग वर्ल्ड में ए ही है ठीक है जो आप देखते हो ना अलग अलग लेवल्स में डिफिकल्टी बढ़ जाती है देखते हो ना अलग अलग कॉम्बैट गेम्स जब आप खेलते हो जैसे कि आप फ्री फायर पबजी की बात करो तो वहां पे बॉट्स वगैरह आते हैं रियल प्लेयर्स तो आते ही हैं बॉर्ड्स भी, भी देखते होंगे आप कभी कभार ठीक है अब वो बॉड्स जो उन्होंने डाले हैं आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बॉड क्या है प्लेयर क्या है ठीक है काफी बच्चे कमेंट करेंगे सर हम तो कर सकते हैं डिफरेंस ठीक है बट ठीक है सीन इज कि जो आपका वो जो बॉट है वो बॉट काफी हद तक एग्जैक्टली इंसानों के तरीके से बिहेव कर रहा है मतलब आपके हिसाब से आपके फुट स्टेप देख के वो समझ जाता है कि आप आ रहे हो है ना वो छिप सकता है फायर कर सकता है ठीक है कई बार आप देखते हो सपोज आप कोई स्पोर्ट्स गेम खेल रहे हो ठीक है सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो ठीक है फीफा तो खेल हो सपोज है आप तो बहुत बार आपने ये जज किया होगा कि पर्टिकुलर आपने एक मूव अपनाया है ना कोई पोजीशनिंग बनाई कोई मूव अपनाया तो आपने गोल स्कोर कर लिया बट नेक्स्ट टाइम जब आप वही मूव बनाना चाह रहे हो तो सामने डिफेंडर ने आपको रोक दिया बिकॉज उसको अब समझ में आ गया कि आप एक ही पैटर्न बार बार यूज कर रहे हो तो वो आपका सीख गया ठीक है मतलब अगर आपकी एक टैक्टिक है तो उस टैक्टिक से वो सीख गया और अब आपको वो ब्लॉक कर पा रहा है पहले आप गोल मार पा रहे थे अब नहीं मार पा रहे हो राइट धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है ऐसे ही क्रिकेट uh, में भी हो सकता है पर्टिकुलर टाइप की बॉल आप बार बार खेल ले रहे हो तो सामने वाला जो बॉलर है जो आपका ए है वो अपनी बॉलिंग स्टाइल चेंज कर रहा है ताकि अपना प्ले कर पाओ उसको है ना बहुत बार कार्स में भी ऐसा हो सकता है ठीक है रेसिंग गेम्स से जब आप खेल रहे हो मोटो जीपी खेल रहे हो या फिर आप एन खेल रहे हो कुछ भी खेल रहे हो ठीक है तो उन सिचुएशंस में भी क्या होता है कि बहुत बार आपके जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ती रहती है मतलब जो आपके कॉम्पिटेटिव कार्स हैं जो आपके साथ रेस कर रही हैं वो आपसे बेटर क्रिएट कर पा रही है अकॉर्डिंग टू योर यूजर एक्सपीरियंस सॉरी अकॉर्डिंग टू योर आउटपुट जो भी आप आउटपुट दे रहे हो एक्चुअली आउटपुट नहीं दे रहे हो, जो भी आप इनपुट दे रहे हो उस मशीन को मतलब जो भी आप रिजल्ट्स दे रहे हो जिस तरीके से आप प्ले कर रहे हो तो आपका गेम प्ले समझ के वो चीजें सीख जा रहे हैं तो यस गेमिंग वर्ल्ड में है एआई हर जगह है सो so, ई-स्पोर्ट्स ले लो जिंगा ले लो सोनी ले लो निंटेंडो ले लो एक्टिविजन ब्लिजार्ड ले लो है नेक्स्ट लेवल यूजिंग डेटा साइंस गेम्स आर नाउ डिजाइंड मशीन लर्निंग एल गॉर्डम विच इम्प्रूव यूर अपग्रेड से प्लेयर मूव्स अपायर लेवल जैसे लेवल बढ़ोगे डिफिकल्टी बढ़ जाएगी इन मोशन गेमिंग ऑल्सो योर ओपोनेंट कंप्यूटर एनालाइजेज योर प्रीवियस मूव एंड अकॉर्डिंग शेप अप इट्स गेम तो अकॉर्डिंग टू योर मूवस वो अपने गेम को शेप कर लेता है ठीक है, गेम डेवलपर्स आर यूजुअली नॉट एआई रिसर्चर्स अच्छा एक चीज ये देखना कि जो गेम डेवलपर्स है वो यूजुअली एआई रिसर्चर्स नहीं होते हैं एंड मेनी गेम्स यूज सिंपल प्री डिफाइंड पैटर्न और काफी जो गेम्स है ना वो प्री डिफाइंड पैटर्न यूज करते हैं अ लॉट ऑफ ए इन गेम डेवलपमेंट गोज टूवर्ड्स डिफाइनिंग द वे अंप्यूटर ओपोनेंट बिहेव्स तो मोस्ट जो यहां पे चीजें जाती हैं वो किस तरीके से ऑपरेंट बिहेव करेगा इसमें जाती हैं बिहेवियर कैन रेंज फ्रॉम रिलेटिवली सिंपल पैटर्न इन एक्शन गेम्स ऑल द वे टू चेस प्रोग्राम्स ठीक है दैट कैन बीट चैंपियन ह्यूमन प्लेयर्स सो आईबीएम का एक डीप ब्लू कंप्यूटर था जो फेमसली नोन था टू बीट गैरी कास्पारोव ठीक है कास्पारोव

जस्ट उस समय के बेस्ट चेस प्लेयर को बीट कर दिया था ठीक है जिनका नाम था गैरी ठीक है इन नाइनटीन ठीक है अकॉर्डिंग या आफ्टर लर्निंग देयर स्किल्स ठीक है तो एक्चुअली उस समय से ही चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी ठीक है टेक्निक्स यूज इन ए आई गेम प्रोग्रामिंग इंक्लूस डिसीजन ट्रीज एंड पाथ फाइंडिंग दे कैन एग्जामिन प्लेयर बिहेवियर एंड चेंज देअर रिस्पॉस टू मेक द गेम्स मोर चैलेंजिंग बिहेवियर सम ए आई ओपोनेट्स इन फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स कैन लिसन फॉर प्लेयर मूवमेंट लुक फॉर फुटप्रिंस और इवेंट टेक कवर वेन अयमन ऑपोनेंट फायर ठीक है तो जो चीज मैंने अभी आपको बताई तो ये काम भी करते हैं भाई गेम्स क्या यूज करते हैं ए आई का यूज करते हैं ठीक है सिंपल ए आई का यूज करते हैं ठीक है अगर हम लास्ट एप्लीकेशन तो में चले विच इज मैन्युफैक्चरिंग इसमें है इंडस्ट्रियल रोबोट है मनडेन एंड रिपिटेटिव एक्टिविटीज ठीक है तो जो बोरिंग और रिपीटेटिव काम है वो सब चीज़ें रोबोट्स ने रिप्लेस कर दिया दे। आपने देखा भी होगा काफ़ी इंडस्ट्रीज में अब जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसके वो कम हो गया है और अब सब जो है रोबोटिक्स का काम आ गया है ठीक है रोबोट्स आर टेकिंग द प्लेसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग द प्लेसेस कि अब हर काम खुद हो रहा है तो जो मंडेन और रिपीटेटिव काम है ना जो रोज का बोरिंग काम है वो अब रोबोट्स करते हैं ठीक है दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरीड आउट इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दीज इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर ऑटोनॉमस एंड यूज डेटा साइंस सच एज री लर्निंग एंड इमेज रिकोग्नीशन सो इमेज रिकग्निशन और डेटा साइंस और री लर्निंग का यूज करके ये उस रिपेटेटिव और रेगुलर काम को करते हैं जो एक इंसान करते थे और बोर हो गए थे अब ठीक है तो अब इंसान क्या कर रहे हैं कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं नई चीज कर रहे हैं है ना इमेजिनेवरी काम कर रहे हैं ठीक है और जो बोरिंग काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन कर रही है राइट सो दैट इज अ गुड थिंग कुछ लोगों को लगता है कि यार जॉब्स कम हो रही हैं ठीक है बट माई सेंग इज जॉब कम नहीं हो रही है यार आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल रही है आप नई चीजों को एक्सप्लोर करो राइट right? एक चीज में क्यों बंदे रह रहे हो नई चीजों को एक्सप्लोर करो राइट तो ये डेफिनेटली यहाँ पे इशू तो आता है ठीक है आपकी प्राइवेसी का इशू आता है बायस का इशू आता है ठीक है जॉब लूज का इशू आता, आता है तो वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं वो तो यार हमेशा से क्वेश्चन रहा है और आगे रहेगा भी बस हमको उसको समझ के टाकल करके चलना है और इन यूजर्स का या एप्लीकेशन का फायदा उठाते चलना है राइट right? बाकी ये सब आपके डेटा साइंस के एप्लीकेशन आई होप ये एप्लीकेशंस आपको समझ में आ गए होंगे और आपको इनके यूजर्स समझ में आ गए होंगे ऑल थोड़ी सी तो इसी वजह से मैं आपको इनको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता बट यार मैं, मैं अगर पॉसिबल होता तो मैं पूरी कोशिश करता इवन अगर आगे जरूर मतलब पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली मैं इन सब एप्लीकेशन को आपको मैं करके दिखाऊंगा ठीक है इन चीजों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा इफ इट इज पॉसिबल डेफिनेटली बिल्डिंग वाला पार्ट है पॉसिबल तो वो तो दिखाएंगे आगे जो आपके सिलेबस में है ठीक है फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर आप अप करते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे वेबसाइट डॉट कॉम तो गूगल पर टाइप करना मागनेरबेंस डॉट कॉम पे वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन होम पेज यहाँ पर सीबीएस इंग्लिश मीडियम पर क्लिक करेंगे क्लास टेन पे क्लिक करेंगे तो इसके सारे कोर्सेस ओपन हो जाएंगे कंप्यूटर साइंस सर्च करो कंप्यूटर साइंस पे वॉच नाउ पे, पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर साइंस के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे एक्चुअली सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो उसके सारे चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे किसी भी चैप्टर पर क्लिक कर सकते हो तो वो चैप्टर प्ले हो जाएगा इसमें प्ले पॉज को आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन होंगे आपके पास ठीक है जैसे कि यूट्यू पे है राइट ऑल तो पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं जैसे कि अगर पहले की बात करूं मैं, तो यहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी उधर के वीडियोज का यहां आप फोकस होकर पढ़ सकते हो कंसेंट्रेट कर सकते हो दूसरा अगर मैं एडवांटेज यहां पे कहूं आपको तो यहां पे आपको इधर उधर की वीडियो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी साथ में यहां पे बहुत चीजें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है यहां आपको एन ले लो ओलंपियाड ले लो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारा कंटेंट मिल जाएगा और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि दो वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट है फिर कुछ पे करना नहीं पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे आपको मिल जाएगा पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा ठीक है तो इसका फायदा उठाइए भाई आपके लिए प्लेटफॉर्म है है ना टेक एडवांटेज ऑफ दिस और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए राइट बढ़िया ठीक है और एक बार ये हमारा ये मैग्नेट ब्रेन हिंदी वाला चैनल विजिट करना यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा ठीक है तो इसको विजिट करिए एक्सप्लोर करिए और बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पे और आप अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है मेहनत अच्छी लग रही है वीडियोज पसंद आ रही है प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम में हेल्प हो रही है हमारी वजह से तो हमारे साथ तेनिक मैकिन से जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए कंड से क्लास ट्वेल्थ हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी से बने रहेंगे राइट right? मैं आपसे मिलता तो हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच